समबडी एक ऐसे शख्स जिनके लव्स जादू हैं, समबडी हु इज़ अ लेजेंड, और उनके लव्स मेरे लिए हमेशा बहुत बहुत प्यारे, बहुत वॉर्म, बहुत खूबसूरत रहे हैं। जितनी भी बार उनसे मुलाकात हुई, चाहे उनके घर पे, चाहे किसी इवेंट पे, हमेशा बहुत सारी मुस्कुराहट, बहुत सारा जो हंसी थी वो हमेशा साथ में रही। There's never been a dull moment with him. What I learned was from him was that life चाहे कुछ भी आपकी तरफ फेंके, उसे हंसते मुस्कुराते लोगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगी। And what I always hold very dear to myself is that चाहे मेरी कोई फिल्म हो, चाहे कोई एड फिल्म हो, चाहे वो कोई पोएम हो जो मैंने लिखी थी, कुछ भी हो, पहला फ़ोन इनका आता है। उस हौसला अफजाई की अब आदत पड़ गई है जावेद साहब, उसे बरकरार रखिएगा। जावेद अख्तर प्लीज आइए। थैंक यू। अगर देखें तो इंसानों में और बाकी जो जानदार हैं इस प्लैनेट पे क्या फ़र्क है, एक ही फ़र्क है, वो है ब्रेन। ये ब्रेन जो है ये एक अजीब चीज़ है, और अब साइंस ये मानती है कि पैदा होने से पहले ये ब्रेन फंक्शन करना शुरू कर देता है, और एक एक पल जो आपने देखा है, सुना है, जाना है, वो रिकॉर्ड हो जाता है आपके ब्रेन में। आप उसे रिकॉल कर पाएं ना कर पाएं, कभी कर लेते कभी नहीं कर पाते, ये चलता ही रहता है। हकीकत तो ये है कि जब कभी कभी ऐसा होता है कि आप मेडिकली डेड हो गए, उसके बाद भी ब्रेन फंक्शन करता रहता है, और उससे रिवाइव हो जाते हैं लोग। तो वो ये लाइफ आफ्टर डेथ किताब वगैरह भी लिखी गई हैं इसलिए कि वो ब्रेन फिर भी चलता रहा। एक ही वक्त होता है दुनिया में कि जब ब्रेन फंक्शन करना बिल्कुल बंद कर देता है, जब आप एक ऐसी किताब की रिलीज पे जाते हैं जो आपने पढ़ी नहीं, उसमें फिर आपका दिमाग काम नहीं करता। तो इस वक्त मेरी हालत है, ये बुक मैंने अभी देखी यहाँ आके, और इस पे मुझे अब कुछ बोलना है। उसकी तरकीब ये होती है कि अगर आप ने फिल्म नहीं देखी है, या आप ये सोचना चाहते हैं कि फिल्म ना देखी होती तो अच्छा था, जैसा अक्सर होता है, या आपने बुक पढ़ी ही नहीं है, सिर्फ इतना मालूम है कि बुक तो अच्छी है इसलिए कि एक चैप्टर बहुत ही अच्छा होगा उसका, तो आपके पास एक ही तरकीब बचती है कि बजाय राइटिंग के राइटर के बारे में बात करने लगे, बजाय फिल्म के डायरेक्टर के बारे में बात करने लगे, उसकी पर्सनैलिटी में खूबियाँ देखिए, उसकी तारीफ कीजिए, तो काम निकल जाता है और लोग भी कहते हैं अच्छा बोले साहब। तो मैं ज़रा दिव्या जी के बारे में कहना चाहूँगा कुछ। एक तो मैं जब भी दिव्या के बारे में सोचता हूँ तो सबसे पहली जो चीज़ मेरे जहन में उसके चेहरे की आती है वो उसकी आँखों का एक ट्विंकल है, जो मैंने कभी इसकी आँखें बना ट्विंकल के नहीं देखी। एक चमक, एक सितारा है इनकी आँख में जो हमेशा दिखाई देता है, और वो बहुत भरपूर ज़िंदगी का सबूत है, इसमें कोई शक नहीं। हम लोग बड़ी आसानी से ज़िंदगी को प्लेटों पे ले आते हैं, हम क्या है, डिप्राइव सोसाइटी है। यहाँ अगर आपकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाएं तो आप कामयाब हो गए। अगर हमारे पास सर पे एक छत है, हमारे पास पहनने को कुछ कपड़े हैं, खाने को ठीक है, घूमने फिरने का भी थोड़ा इंतज़ाम है, तो हम सक्सेसफुल हैं। घर में टीवी है और प्लाज्मा और इस तरह की और चीज़ें हैं तो हम सक्सेसफुल हैं। कार है हमारे पास तो फिर हो गया, फिर ज़िंदगी बन गई, और उसके बाद ग्रोथ बंद हो जाती है। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में बड़ी कॉमन बात है। कुछ लोग होते हैं कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन उनके अंदर अपने आप को इम्प्रूव करने की, अपने आप को और दूर तक ले जाने की, अपने आप को हर दिशा में जाने की और देखने की और समझने की तमन्ना और कोशिश होती है, बहुत कम लोग होते हैं। ये है वो लड़की जिसने, इसे ये सब तकलीफें करने की ज़रूरत नहीं है। शी इज़ अ सक्सेसफुल स्टार। हिंदुस्तान में कौन होगा जो दिव्या दत्ता को नहीं जानता होगा,
ऐसे रहो, खुश रहो, सब कुछ पैसे भी हैं, ये है, इज्जत है, नाम है, मगर वो एक है कि है खूब से भी खूबतर कहाँ, है जस्तजू के खूब से है खूबतर कहाँ, अब देखिए ठहरती है जाके नज़र कहाँ। तो ये जो नज़र आगे से आगे देखती चली जा रही है वो बहुत अच्छी बात है, और ये बहुत रेयर होता है कि हम अपने आप को किसी भी उम्र में अपने इंटेलेक्ट को, अपने इमोशन को, अपनी पर्सनालिटी को प्लेटो पे नहीं आने दें, क्लाइंब अप करते ही रहे, करते ही रहे। मेरे ख्याल से और भी लोग बोलेंगे, मैं अब इससे आगे क्या बोलूँ, एक ही बात कहूँगा, और मुझे उम्मीद है कि राइट स्पिरिट मिलेंगे आप लोग ये बात। मान साहब बहुत अच्छा बोले, बड़े इमोशन। एक तो मैं अगर दुनिया में किसी से जलता हूँ तो सिंगर से। भाई ये कौन लोग होते हैं कि जिन्हें लोग गाने का पैसा देते हैं, गाने के लिए बुलाते हैं बैठ के, हम तो पैसा दे तो कोई नहीं सुनेगा हमारा गाना। तो मैं अगले जन्म में सिंगर बनना चाहता हूँ। मान साहब आपने एक बात कही कि शबाना जी आपको एक बार एयरपोर्ट पे मिली थी और आपको उन्हें छोड़ने का सौभाग्य मिला, हम तो ऐसी बात सोच भी नहीं सकते।